आज हमारे लिए नई साल में तीन खुशियां एक साथ में हैं। पहली खुशी हमारे जो युवक कांग्रेस की प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक है और नवनियुक्त है हमारे अध्यक्ष भाई अभिमन्यु पूनिया जी और कार्यकारी अध्यक्ष है हमारे दोनों भाई मुंड साहब और हमारे सूरा जी, इनको बहुत बहुत बधाई और इनके साथ में जो कार्यकारिणी है उनको भी बधाई। पहले इनकी मीटिंग है बनने के बाद में, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। दूसरी हमारे लिए ये भी खुशी की बात है कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय सचिन पायलट जी को CWC मेंबर के बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बना करके छत्तीसगढ़ का इनको इंचार्ज बनाया गया है। ये हमारे बीच में पहली दफा इस पद मिलने के बाद में, जिम्मेदारी मिलने के बाद में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और तीसरी खुशी जो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को चूर चूर करके हमारा एक नौजवान साथी भूपेंद्र कुन्नर जी जीत करके श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, वो हमारे साथ में आज पहली बार शामिल हुए हैं। ये तीन खुशियां एक साथ में हमारे लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में आज है। मैं इनको सबको मेरी ओर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, इनका अभिनंदन भी करता हूं। और इस राजस्थान की पर्ची सरकार को चेतावनी भी देता हूं कि आप जनता के आशीर्वाद से सरकार में आए हैं तो जनता के जो मुद्दे हैं उन पे काम कीजिए, जनता की भावनाओं के अनुरूप आप लोग काम कीजिए। जो दिल्ली से पर्ची आकर के जो आप काम कर रहे हैं इससे जनता खुश नहीं है, और आपने देखा कि जनता ने बता दिया कि हमारे लिए हमारा स्वाभिमान, हमारा जो सम्मान है वो महत्वपूर्ण है, न कि मंत्री हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी नया नई सरकार बनी है, मंत्री बन रहे हैं, मंत्रालय बांटे जा रहे हैं, वो अपना कार्य ग्रहण कर रहे हैं। मैं उन पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे नेता सारे उत्साहित हैं। और ये जो 2024 का हमारा लोकसभा का चुनाव है उसकी तैयारी हम पूरी तरीके से कर रहे हैं, तैयारी के साथ में चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, NDA को सत्ता से हटाएंगे और इंडिया अलायंस केंद्र में सत्ता में आएगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। तो आज चूंकि यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक है और हमारे तीनों ही अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया जी, सतवीर जी और हमारे मुंड साहब, ये तीनों आए हैं और रूपेंद्र कुन्नर जी और सचिन पायलट जी हमारे बीच में हैं, तो हम सब इसको सेलिब्रेट भी करेंगे और हमारे यूथ के जो जाबाज कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी हैं, उनको आगे की लोकसभा की तैयारी के लिए हम लोग एक रोड मैप बना करके इनको जिम्मेदारी भी देंगे। धन्यवाद भाई साहब। बीजेपी आरोप लगा रही है कि बीजेपी का तो मंत्रिमंडल भी हो गया, विभाग भी बढ़ गया, लेकिन विपक्ष के पास तो प्रतिपक्ष का नेता ही नहीं है, कांग्रेस तो वो ढूंढ रही है। देखिए, सरकार तो बनते ही दूसरे दिन से काम करना है, प्रतिपक्ष के नेता को तो 19 तारीख से काम करना है, तो आप निश्चिंत रहें 19 तारीख पहले नेता प्रतिपक्ष आ जाएगा। जब राजस्थान की विधानसभा चालू होगी तो नेता प्रतिपक्ष भी आ जाएगा, उनको हर मुद्दे के ऊपर, जनता के मुद्दों के ऊपर हम लोग उनको सबक भी सिखाएंगे, उनको गलत काम नहीं करने देंगे, हमारी योजनाएं बंद नहीं करने देंगे जो जनहित की हैं, और हम अच्छे तरीके से जनता के मुद्दों को लेकर के और प्रतिपक्ष की अच्छी भूमिका निभाएंगे। निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रभाव, क्योंकि देखिए भारत जोड़ो यात्रा देश में ही नहीं, पूरे विदेशों में चर्चा का विषय है कि जिस प्रकार से 4000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी जी ने पैदल चल करके की और जिन मुद्दों को लेकर के की, वो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण थे। आज न्याय के लिए यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो के साथ साथ में, उसका सेकंड फेज आप कह सकते हैं। तो जो
जिस प्रकार का वातावरण और जिस प्रकार की तानाशाही, जिस प्रकार का अहंकार जो केंद्र की सरकार में है, उसमें न्याय नहीं मिल रहा है किसी को, कोई भी वर्ग हो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। लोकसभा में जिस प्रकार से 140 से ज्यादा सांसदों को निकाल करके 18 कानून पारित कर लिए, मैं समझता हूँ कि देश के इतिहास में इस तरह की बात नहीं हुई। विपक्ष को सुना ही नहीं और आप कह रहे हैं कि ट्रक चालकों वाली बात पे कि उस कानून को हम अभी लागू नहीं करेंगे। कृषि कानून भी ऐसे ही उन्होंने लागू किया था, दादागिरी से तानाशाही से लागू किया था, जनता की नहीं सुनी थी, उनको वापिस लेना पड़ा, इसको भी वापिस लेना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि 2024 के लिए हम लोग तैयार हैं और न्याय यात्रा पूरे देश में एक और नया संदेश और ऊर्जा का संचार करेगी और लोगों को लगेगा कि कोई तो है जो हमारे को न्याय दिलाने के लिए इस अहंकारी सरकार से लोहा ले। आप देखिए कि पर्ची से सरकार नहीं बनी क्या? आप पर्ची खुली, किसी नेता को पता नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री को पता नहीं, किसी को पता नहीं, तो फिर पर्ची सरकार नहीं है तो क्या बताइए कौन सी बीजेपी के एमएलए ने चयन कर करके और फिर आलाकमान ने कोई नाम दिया हो तो बता दीजिए। आप उनसे कोई पूछा नहीं गया, खाना खाई दीजिए, साइन कर दीजिए और पर्ची आएगी और बनेगा, इसलिए मैं पर्ची सरकार बोलता हूँ। जो आगे के काम चल रहे हैं, मंत्रियों के बंटवारे चल रहे हैं, जो मंत्री बनाए जा रहे हैं वो भी बहुत ऊपर से पर्ची आने के बाद में ही बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वविवेक होता है, उनको अधिकार होता है कि वो मुख्यमंत्री जी आला कमान से सलाह करके एक दो दिन में मंत्री बना लेते हैं, लेकिन इन्होंने मंत्री कहाँ बनाए बताइए, ऊपर से बन करके आए। दूसरी चीज, ये सही बात है कि सरदार स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर साहब का जो परिवार श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र था और उनका जो आपस में भाईचारा था, जो विकास के काम थे, उसका लाभ हमको 101% मिला। लेकिन उसके साथ साथ ये भी आपको देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को और जो तानाशाही थी और जो मनमर्जी के फैसले कर रहे हैं उनको भी सबक सिखाने का काम और जो संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं को तार तार करने का काम जो चुनाव के बीच में किया है उसको भी सबक सिखाने का साथ साथ काम किया।